दोस्तों, मैं हूँ किमी फ्रॉम ब्राइट स्केल्स विद किमी चैनल से, और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही चैनल ब्राइट स्केल्स विद किमी पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो बिल्कुल ही एक नए प्लांट पर है जो कि मैं आज ही लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए परचेज करके। तो उस प्लांट को दिखाने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से दो क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। पहला क्वेश्चन है मेरा, क्या आपने जीनिया के पत्ते देखे हैं? और सेकंड क्वेश्चन है मेरा, गुलाब का फूल देखा है? तो दोस्तों, आप दोनों का ही आंसर कहेंगे यस, बिल्कुल देखा है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्लांट्स हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इनका एक ऐसा मिक्सचर दिखाऊंगी जैसे कि जीनिया के जो पत्ते हैं उन पत्तों की, उस प्लांट की पत्तियाँ हैं और गुलाब के जैसा फूल है। तो चलिए देखते हैं उस प्लांट को। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट लेकर चल रही हूँ उस फूल के पास। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिए, ये है वो प्लांट जो मैं आज ही परचेज करके लेके आई हूँ। और इस प्लांट की दोस्तों कॉस्टिंग पड़ी है मुझे 60 रुपीज़ का ये एक प्लांट दोस्तों मुझे पड़ा है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा सुंदर है, बिल्कुल पर्पल कलर की आप लोग इसमें दोस्तों पत्तियाँ देख रहे हैं। पर्पल पर्पल शेड है वाइट कलर के साथ, और दोस्तों एक है हमारा पिंक कलर का शेड। तो अब मैं आप लोगों को इसका नाम रिवील कर देती हूँ। इस प्लांट का नाम है दोस्तों यूस्टमा। तो यूस्टमा प्लांट मेरी लिस्ट में जाने कब से था दोस्तों, ये मेरी लिस्ट चल रही है, ब्रह्म कमल, यूस्टमा ऑर्किड। और दोस्तों कई इस तरह के पौधे हैं जो कि मैंने अपनी लिस्ट में रखे हुए हैं, और वाटर लिली का एक वन वीसा फ्लावर खिला हुआ देखना चाहती हूँ। तो मैंने इनमें से 3-4 प्लांट तो कलेक्ट कर लिए हैं अभी तक, बस अब ऑर्किड ही रह गया। आज यूस्टमा भी मैं ले आई। तो यूस्टमा इसका एक नाम है, एक इसको हम लोग कहते हैं लिजियास्थम। तो दोस्तों, लिजियास्थम आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा, और ये आप लोगों का जो फ्लावर प्लांट है बेहद ज़्यादा खूबसूरत होता है। आप लोग देख रहे हैं सामने कि अब इसकी जो पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल जीनिया जैसी लग रही हैं। अगर मैं इस प्लांट को नीचे रखूँ तो इसको कोई भी कह सकता है कि ये जीनिया का पौधा होगा, लेकिन जैसे ही ऊपर लेके आती हूँ ऐसा लगता है जैसे गुलाब का पौधा है, क्योंकि इसकी जो दोस्तों आप लोग कलियाँ देख रहे हैं, ये छोटी छोटी कलियाँ देखिए, बहुत ही फोकसफुली देखिए, तो आप लोगों को ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि गुलाब की कलियाँ आई हैं। आप लोग इसका स्टाइल देख सकते हैं, ये यहाँ पर छोटी सी ऐसा लग रहा है गुलाब की कली है। तो ये प्लांट बेहद ही ज़्यादा दोस्तों अच्छा सुंदर होता है, साथ ही परमानेंट आपके गार्डन में रहता है। इसकी जो हैवी ब्लूमिंग मानी जाती है, इस प्लांट की हैवी ब्लूमिंग आप लोगों की होती है मार्च से लेके जून तक। और हैवी ब्लूमिंग दोस्तों इसकी तब मानी जाती है, और उसके बाद हैवी ब्लूमिंग के बाद सुपर हैवी ब्लूमिंग का मौसम ये चल रहा है। तो ये मैंने आप लोगों को जो मार्च से लेके जून का बताया है, ये सीड से लेके और अभी तक ग्रो करने का समय है, तो इसमें आप लोगों की हैवी ब्लूमिंग हो सकती है और ढेर सारी कलियां आ सकती है, क्योंकि सीड से प्लांट ग्रो होता है, हम पिंचिंग करते हैं और सीड से ग्रो करते करते हमारी हैवी ब्लूमिंग हो जाती है। लेकिन जो सुपर हैवी ब्लूमिंग है वो जून के बाद शुरू होती है, जो अभी मौसम चल रहा है। इसे मैं जैसे ही रिपोर्ट करूँगी इसमें ढेर सारी और कलियाँ बनेंगी और बहुत बड़ा ये प्लांट हो जाए। इस प्लांट को चाहिए कि इसके साथ में एक सपोर्ट जरूर लगे। इस प्लांट के साथ दोस्तों आप लोगों को एक स्टिक की सपोर्ट जरूर लगानी है। सेकेंडली, आप लोगों का ये जो प्लांट है इसकी स्पेंड फूल जैसे ही हो जाए वैसे ही इनके स्पेंड फूलों को हटाना है। ये फुल सनलाइट का प्लांट है, तो इसे आप 7 से 8 घंटे की सनलाइट, 6 से 8 घंटे की सनलाइट इजीली दे सकते हैं। 7-8 घंटे की सनलाइट इजी है इसके लिए बात। और नेक्स्टली हम लोग अगर बात करें तो इसे बारिश से दोस्तों हल्का सा बचाना है, लेकिन बारिश का ऐसा कोई इशू नहीं है। बारिश में अगर ये भीगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस इसमें क्योंकि इसके जीनिया जैसी पत्तियाँ हैं तो इसकी पत्तियाँ नीचे सॉइल को टच करती हैं, तो बस फंगस का खतरा है, बाकी ऐसी कोई बारिश की बात नहीं है जैसे कि अडेनियम में होती है कि बिल्कुल बारिश से अलग हटा के रख देना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सर्कुलेंट की तरह ये नहीं होगा। नेक्स्टली अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसकी सॉइल की, तो सॉइल हमारा वेल ड्रेन, इसको आप लोगों को वेल ड्रेन मिट्टी देनी है इस प्लांटर को। और आप लोगों को इसको जो गमला देना है, गमला आप लोगों को कम से कम 6 से
और 12 इंच तक का गमला आप लोग दे सकते हैं। 6 इंच का गमला काफ़ी जल्दी रिपोर्ट आप लोगों को करना पड़ जाएगा, इसीलिए आप लोग डायरेक्टली इसे 10 इंच का गमला ही दे दीजिए, जिसमें ये बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करेगा और ग्रो करने के बाद आप लोगों को ढेर सारी ब्लूमिंग देगा। तो दोस्तों ये प्लांट बेहद ही रेयर है, ये प्लांट बहुत कम दिखता है, किसी भी नर्सरी में हम लोग जाएंगे तो ये काफ़ी कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये प्लांट आप जो सामने देख रहे हैं, ये प्लांट जाने मैं कब से ढूंढ रही थी और ये मुझे दोस्तों एक ऐसी नर्सरी में मिली है जो कि आप लोगों को पता भी नहीं है। उसका टूर अगर कभी कराना हुआ तो मैं करा दूंगी आप लोगों को उसका टूर भी। और ये प्लांट बेहद ही कम मिलता है और उस पर मुझे बाई चांस दिख गया। तो ये देखिए, ये वाला जो प्लांट है आप लोग ज़रूर अपने गार्डन्स में ऐड कीजिए दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये प्लांट बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। एक क्वेश्चन सबके मन में इस प्लांट को देखकर ज़रूर आएगा, क्या ये जो कलियाँ ऊपर खिल रही हैं लीलियम की तरह एकदम खिल के रह जाएंगी या फिर इसमें दोबारा कलियाँ आएंगी। दोस्तों इसकी जो केयर है वो बिल्कुल जीनिया जैसी है। और गुलाब तो दोस्तों, अगर गुलाब की केयर की बात करूँ तो गुलाब तो बहुत केयर मांगता है, हैवी फीडर होता है, लेकिन ये प्लांट भी हैवी फीडर तो है लेकिन गुलाब जितना नहीं है। लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने गुलाब लगाया हुआ है, गुलाब की ही इसमें खुशबू आती है, गुलाब की ही इसकी पूरी अपीयरेंस है और साथ में एक भी कांटा नहीं है जो आप लोगों को बार बार लगता रहे। सो आई होप आप लोगों को ये आज का वीडियो पसंद आया होगा छोटा सा। अगर आप चाहते हैं इस प्लांट में मैं एक सेकंड पार्ट लेकर आऊँ तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाय गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए प्लांट के साथ एक नई जानकारी में। बाय गाइस।